सब्जी इस्तेमाल करती है जिसमें दही और जो अर्बन एरियाज के लोग हैं दोनों शामिल हैं। इस हवाले से अगर आप बात करें रिजवान, तो 2030 तक का टारगेट है और उसमें 6G की तरफ जाने की बात, और उसमें जो चंद ममालिक हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 6G में चले जाएंगे, उनमें चीन भी शामिल है। अब आप ये देखें कि जो अभी आप आबादी बता रहे थे, जो जितने 5G यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप ये देखें कि मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और ये कर दिखाया है चीन ने। मेरा और आपका बहुत सारे ऐसे इलाकों में जाना हुआ है जो कि गांव देहात हैं, जहां पहाड़ों पे सफर करके और हम उस जगह पहुंचे, लेकिन चूंकि उस एरिया को एक सियाहती मकाम बनाया गया तो वहां पर 5G सहूलत मौजूद है, और आप वहां जाएं तो इंटरनेट आपको किसी भी तरह से कम नहीं मिलता उसकी रफ्तार जो शहरों के मुकाबले में है। तो इसी हवाले से मेरे ख्याल, चूंकि ये फिगर्स भी इसलिए अभी हमें वैसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन कम यूं लगती है कि चीन का इलाका जो रकबा है वो बहुत बड़ा है, फिर आबादी बहुत ज्यादा है यूज करने वाली, लेकिन ये एक नई दुनिया की तरफ की बातें हैं। 5G स्टेशंस का इतना बड़ी तादाद में लग जाना, जबकि अब ये दुनिया तकरीबन यूं समझें कि 3 हिस्सों में तकसीम है। एक ये कि जो 6G के बिल्कुल दहाने पे खड़े हैं, एक ये कि जो अभी 5G को अपनाने जा रहे हैं, और एक हिस्सा दुनिया का वो है जो अभी 4G भी ठीक से नहीं देख पाया है। तो इस गैप को कैसे कम किया जाएगा, इस पर भी बहुत सारी मैंने कुछ तहरीरें भी पढ़ी और कुछ आर्टिकल्स बाहर की दुनिया में लिखे गए, और उन पर ये बात हो रही है कि आप टेक्नोलॉजी